केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जो लोकसभा की सदस्यता है उसको चुनौती दी गई है। पटना के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद चुनाव आयोग में जो है बीजेपी नेता राकेश सिंह के द्वारा शिकायत दर्ज की है कि उन्होंने बहुत कुछ छिपाया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जी हैं। सर, क्या होगा अगर ये सब आरोप साबित हो जाते हैं? नमस्कार। देखिए, ये जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप है, एलिगेशन है। अब उसमें कितनी सच्चाई है कि झूठा है एलिगेशन, ये सब तो ट्रायल का मामला है, कोर्ट में चलेगा। और इलेक्शन के बारे में जहाँ तक संबंध है तो इलेक्शन ख़त्म होने के बाद 30 दिन के अंदर पटना हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल करना चाहिए था। अगर ये सब इल्ज़ाम था तो इन सब इल्ज़ाम को लगाते हुए, एलिगेशन को लगाते हुए इसमें पटना हाई कोर्ट में बिहार पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है, इंडिया का ये कानून है। उस कानून के तहत उनको चाहिए था कि हाई कोर्ट में जो भी आरोप लगा रहे हैं तो उचित फोरम में जब फाइल करेंगे तब ना उनको न्याय मिलेगा। तो ये पटना हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का मामला था। अगर इलेक्शन पिटीशन फाइल किए होंगे तब तो उसमें इन सब बातों पर विचार होगा, लेकिन अगर ऐसे ही कोई अननेसेसरी, कोई ऐसे ही साधारण रिट फाइल कर दिए होंगे या इसी तरह से कोई मिसलेनियस केस फाइल कर दिए होंगे तो उसमें इंटरटेन नहीं होगा, क्योंकि एकदम स्पेसिफिक ज्यूरिडिक्शन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो भारत का कानून है जिससे चुनाव होता है देश भर में, उसमें प्रोविजन किया गया है कि चुनाव का घोषणा जिस दिन हो जाए परिणाम का, उस परिणाम के डेट से 30 दिन के अंदर अगर आपको करना है तो संबंधित हाई कोर्ट में आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। 30 दिन से ज़्यादा का समय तो ये लिमिटेशन भी लग गया, तो लिमिटेशन एक्सप्लेन करेंगे, जो फाइल किए हैं वो लिमिटेशन एक्सप्लेन करेंगे, और जितना जिस क्षेत्र से ये लड़े हैं वहाँ से जितने भी उम्मीदवार हैं सबको पार्टी बनाना पड़ेगा, सबको नोटिस करना पड़ेगा, और एक लंबी प्रक्रिया है। और हमको लगता है कि जितना ये भेग एलिगेशन है, कोई प्रमाण उसका है कि नहीं है, तो ये सब प्रमाणित करते करते 5 साल गुजर जाएगा, इसलिए बहुत कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। ये साबित करने में बहुत समय लगेगा और हमको लगता है कि 5 साल का समय ये पूरा ट्रायल में निकल जाएगा। अगर इलेक्शन पिटीशन फाइल हुआ होगा तब 5 साल का समय ऐसा ही निकल जाएगा, तो और फिर तब तक अगला चुनाव आ जाएगा। सदस्यता का कोई खतरा नहीं है। अगर एक्सपीडिट ट्रायल हुआ, अगर कोर्ट ने इसको सीरियसली ले लिया और अगर एक्सपीडिट ट्रायल कर दिया, डे टू डे हियरिंग करके प्रायोरिटी बेसिस पर इसको सुनना शुरू कर दिया, तब हो सकता है। कानून तो जो है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में है कि इलेक्शन पिटीशन जिस दिन फाइल होता है तो फाइल होने के 6 महीना के अंदर ही डिस्पोजल कर देना है, लेकिन वैसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। इसमें इतना लंबा समय लगता है, सारे लोग को नोटिस जाता है, सारे लोग अपीयर होते हैं, उसके बाद एक एक बिंदु पर इशू फ्रेम होता है, उसके बाद एक एक पॉइंट पर बहस होता है, गवाही होती है, लंबा प्रक्रिया लग जाता है, और इसमें 5 साल जनरली गुजर जाता है। हमने भी बहुत सारा इलेक्शन पिटीशन फाइल किया है, देखा है, तो उसमें समय गुजर जाता है। बाद में यही होता है कि ये तो इन्फ्रक्चुअस हो गया, अब टाइम बीत गया, इसलिए अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। चिंता का बहुत विषय नहीं है अंटिल अनलेस की कोई इस तरह का स्पीडी ट्रायल का आदेश हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट न कर दे, तब कोई चिंता की बात नहीं है। दैनिक भास्कर में सर 3 आरोप के बारे में जिक्र किया गया है, इस आरोपों के बारे में आप अगर जानकारी दें। ये सब तीनों जो आरोप है जिसमें इनको कहा गया है कि 80 एकड़ जमीन है खगड़िया में, सर पहला आरोप 80 एकड़ जमीन है, तो अब ये किनके नाम से है, चिराग पासवान के नाम से है कि नहीं, इनके पिताजी के नाम से है कि नहीं, इनके माताजी के नाम से है कि नहीं, ये सब ट्रायल का विषय है। अगर इनके नाम से नहीं होगा और इनके पिताजी के भी नाम से नहीं होगा, इनके माताजी जो हैं उनके भी नाम से नहीं होगा, तब तो ये कोई मतलब नहीं है। किसी का ज़मीन को आप किसी का कह दीजिएगा तो उससे नहीं होगा। अगर बेनामी ट्रांजैक्शन होगा, किसी दूसरे के नाम से ये खरीदे होंगे, तब फिर उसको प्रमाणित करने में लंबा समय लगेगा, इसलिए ये कोई भारी आरोप नहीं है। लेकिन छिपाया गया, भाजपा के नेता ही आरोप लगा। हाँ, तो छिपाया गया, अब इनके नाम से होगा तब न कह सकते हैं कि छिपाया गया, जब इनके नाम से हैं ही नहीं,
तो छुपाने की कहाँ बात है, किसी दूसरे का? हाँ, ये सब जांच का विषय है और ट्रायल का विषय है, ये इतना आसान नहीं है प्रमाणित करना। तो वो आरोप बहुत ये लिंगरिंग है और वो साबित नहीं हो पाएगा जल्दी। दूसरा आरोप नंबर टू है, जिसमें ये कहा गया है कि कांड एक है जिसमें उनका नाम पड़ा हुआ है, तो कांड में इनका नाम है। अब पता नहीं, उसमें पुलिस इनको चार्जशीट पर बरी कर दी है, अगर कांड में नाम होता तो अब तक अरेस्टिंग होती या बेल करवाते, ऐसा तो कहीं आया नहीं है। तो कोई भी केस दर्ज हो जाने से सिर्फ वो अपराधी नहीं हो जाता है, तो ये जो है केस अगर होगा भी तो हो सकता है पुलिस फाइनल फॉर्म जमा कर दी होगी, इनके खिलाफ जो है कोई सबूत नहीं मिला होगा और तब इसलिए इन्होंने नहीं दिया, चूँकि इनको केस से निकाल दिया गया, ऐसा भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही होगा, लेकिन नामों में वो दिए कि उन पे कोई भी केस दर्ज नहीं है। केस नहीं है, ये तो केस है। हाँ, केस तो लॉज हुआ है, तो इसलिए अगर केस को छुपाए हैं तब तो ये मामला गंभीर है और ये उठेगा इलेक्शन पिटीशन में, लेकिन उठेगा, ये रीट में नहीं उठेगा, कोई दूसरा केस करने से नहीं होगा। ये जब इलेक्शन पिटीशन पटना हाईकोर्ट में फाइल होगा, जहाँ की जुरिडिक्शन है इसका, यहीं से चुनाव लड़े हैं ना हाजीपुर से, तो हाजीपुर का या पूरे बिहार का कोई भी सांसदी का चुनाव को रद्द कराना है तो आपको पटना हाईकोर्ट में ही इलेक्शन पिटीशन फाइल करना होगा। और इलेक्शन पिटीशन अगर हुआ है तो उसमें ये सब विचार होगा, ट्रायल होगा, देखा जाएगा सबूत है कि नहीं है। तो एक ये हो गया। और तीसरा जो आरोप है कि इनका डिग्री जो है, जिस जहाँ से बीटेक किए हैं वो इंस्टीट्यूट नहीं है या फर्जी है, ये आरोप है। तो ये तीनों आरोप हैं, और आरोप लगा देने से ये प्रमाणित नहीं हो जाता है। आरोप आप किसी पर कुछ भी लगा दे सकते हैं, लेकिन उसके कार्बोरेटिंग एविडेंस होना चाहिए, उसके सपोर्ट में कंक्लूसिव साक्ष्य होना चाहिए। जब तक उसको सबूत नहीं मिलता है उस एलिगेशन को साबित करने के लिए, तब तक वो आरोप बेबुनियाद भी माना जाता है। इसलिए अब अगर इलेक्शन पिटीशन किसी व्यक्ति ने फाइल किया है चिराग पासवान के खिलाफ, तब वो ट्रायल में यहाँ खुलेगा, इलेक्शन पिटीशन की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में होगी और ये तीनों एलिगेशन पर बारी बारी से सुनवाई होगा, और उनको कहा जाएगा, जिन्होंने फाइल किया है केस उनको कहा जाएगा कि आप प्रमाणित करिए कि ये तीनों आपने जो आरोप लगाए हैं वो सही है, अगर सही है तो कैसे है, इसके सपोर्ट में आपको क्या साक्ष्य है, क्या आपके पास एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, कौन गवाही देने के लिए तैयार है, कौन ओरल एविडेंस है, ये सारे चीज़ ट्रायल होंगे और ये लंबा समय चलेगा, और हमको लगता है कि ये सब साबित होते होते 5 साल निकल जाएगा, केस इन्फ्रेक्टस हो जाएगा। अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं सर, तो उनके सदस्यता के साथ क्या उनको जेल भी जाना पड़ेगा? सदस्यता समाप्त होगी, जेल जाने के लिए तो जो केस है वो कोर्ट देखेगा ना, जो केस ऑलरेडी चल रहा है का केस है तो वो कोर्ट देखेगा, हो सके बेल पर ही होंगे, तो जेल जाने का कहीं से भी कोई ये नहीं है। हलफनामा में जो छिपाए हैं कि केस, हाँ हाँ, तो वो उसके लिए भी एक फर्जरी का केस हो सकता है, हाँ। या इनका इलेक्शन रद्द हो सकता है, वो ट्रायल के बाद होगा, किसी के एलिगेशन लगा देने से नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक संकट तो है, संकट है, अगर स्पीडी ट्रायल हो गया और तीनों आरोप में से एक भी आरोप साबित हो गया तो इनकी सदस्यता भी चली जाएगी, सांसदी चली जाएगी, और वहाँ पर फिर से री इलेक्शन भी हो सकता है, साथ साथ इनको जितना भी इमोलमेंट्स जो लाभ लिए हैं सांसदी का, वो सब लौटाना भी, रिकवर भी हो सकता है। ये खतरा एकदम मंडरा रहा है, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द जज ऑफ द ट्रायल हाई कोर्ट कि वो कितना जल्दी इसको डिस्पोजल करते हैं, इलेक्शन पिटीशन को, इस पर डिपेंड करता है। आखिरी सवाल सर, आपने भी खबरें सुनी होगी कि चिराग ने बगावत कर दी, कई मुद्दे पे मोदी सरकार के खिलाफ थे वो, तो उसी का नतीजा है क्या कि भाजपा नेता के द्वारा शिकायत की? हाँ, एकदम बिल्कुल ये हो सकता है। देखिए, देश में आरक्षण विरोधी ताकतें और आरक्षण समर्थक ताकतों के बीच लड़ाई चल रही है, और ये इंटरनल लड़ाई भी है और ओपन रोड पर भी लड़ाई है, अभी आपने देखा पूरे देश में हंगामा हुआ था। तो आरक्षण विरोधी और आरक्षण समर्थक समाज के बीच चारों तंत्रों में लड़ाई छिड़ा हुआ है। सत्ता का जो चार पावर हाउस होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, प्राइवेट सेक्टर, ये चारों क्षेत्रों में जो आरक्षण विरोधी समाज के लोग हैं वो एक साथ हैं, और आरक्षण समर्थक समाज के जो लोग हैं उनको भी एक होना चाहिए, ये लोग एक नहीं हैं। तो इसी बीच जब आरक्षण के पक्ष में चिराग पासवान बोलना शुरू कर दिए, तो आरक्षण विरोधी जो लोग हैं भाजपा में वो इनके खिलाफ़ हो गए,
और लेकिन इसे घबराने की जरूरत नहीं है। इस देश में जो भी लंबी लड़ाई लड़ा है, गरीबों की जो लड़ाई लड़ता है, उस पर आक्रमण होता है, तरह तरह से होता है, पूरे दुनिया में होता है। आप देखा होगा कि नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका में गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए 27 बरस जेल में रहना पड़ा था। आप देखा मार्क्स को, लेनिन को, और कितना किंग लूथर मार्टिन को, वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन को, ये सबको कितना संघर्ष अमेरिका में करना पड़ा गरीबों के लिए। भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितना संघर्ष करना पड़ा। तो जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है उसमें अमीर लोग उस पर आक्रमण कर देता है, आक्रमण करता है, और यही हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो यही हुआ है क्योंकि ये गरीबों के पक्ष में बोलना शुरू किए हैं। तो जो पूंजीवादी लोग हैं, जो आरक्षण विरोधी समाज के लोग हैं, इन पर अटैक कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। चलिए, हमने बातचीत की अरुण कुशवाहा जी, पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील हैं। चिराग पासवान से जुड़ी तमाम मुद्दों पे इन्होंने अपनी राय रखी। बाकी आप क्या को सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।